तो भाई आज ना कमरे से वीडियो बनानी हमने, भूल ही गया कि वीडियो भी बनानी थी। और अभी ना हम शेड्स लेने जा रहे हैं, यहाँ पे मिल जाए यहाँ आसपास। और चलो तुम्हें साथ साथ दिखाते हैं जो जो हम लेंगे। और आज है हमारा थर्ड डे जो कि है डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी दिखाएंगे बाद में, पहले तुम हमें देखो शेड्स लेते हैं। तो भाई अभी हम मीना बाजार में घूम रहे थे और हमने एक शेड्स लिए हैं। ये पता नहीं क्या दिख रहा है बट मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे क्या। ये देखो यहाँ पे ना ये वो है अपना डियोर शनेल, ये सब के जो होते हैं ना फ्रेग्रेंसेस सामने देख रहे हो। अभी यहाँ चलते हैं और तुम्हें दिखाते हैं क्या है। ये देखो भाई यहाँ पे सारे में मार्केट ही मार्केट है, देख सकते हो। अभी बाहर चलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी आ चुके हैं गोल्ड शॉप में और ये है 1600 दिरहम्स का। अरे मुझे बढ़िया लगा, ये लेके जाऊँगा कभी ना कभी, देख सकते हो बढ़िया। और ये नेपाल से ही है, हमारे आसपास से उनकी तीन चार जगह शॉप है। अच्छा चलो अभी चलते हैं, फिर हमारी सफारी है, फिर वहाँ मिलते हैं। भाई मैं तो आ चुका हूँ अपना होटल वापस और भाई साहब पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ बेफालतू के लिए तो घूमता रहता है। उसको कहीं बोल लो जाने को, पर नीचे नहीं जाया जाता, बेफालतू घूम रहा पता नहीं कहाँ। तो गाइज अभी वापस आ चुका हूँ मैं रूम में और यहाँ पे आके मतलब मैं तो थक गया था। और भाई साहब अब जैसे मैंने बताया, भाई पता ही नहीं कहाँ पे मतलब कि घूम रहा है, पता नहीं क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। ठीक है तो अभी जंगल सफारी में जाएंगे, उसका दिखाऊंगा अब तो मैं भी थक गया, यहाँ पे लेटता हूँ, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी वगैरह पड़ी हो यहाँ तो पीते हैं और फिर बैठते हैं थोड़ा। ठीक है तो चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में, और टिल देन वेट करो तुम्हें तो अभी पता चल जाएगा हम क्या करने वाले आगे। सो गाइज अभी मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी, ये देख सकते हो तुम, बढ़िया कॉफ़ी बन चुकी है। तो भाई अभी तुम्हें मैं बताता हूँ कि कॉफ़ी कैसे बनानी है यहाँ के। तो भाई सबसे पहले तो मैंने कल सीखी थी ये, ठीक है सबसे पहले मैंने सीखी इन द सेंस कि कितने पाउच डालने और क्या करना है। ये कॉफ़ी का पाउच है मेरे पास नेस्कैफे, ये पूरा डालना है अगर आपको तो। आपको 3 packs ऑफ शुगर जो ये पाउच हैं शुगर डालने हैं, और 3 या 4 ही मिल्क के आते हैं जो नॉन डेयरी मिल्क होता है ना ड्राई मिल्क उसके। फिर तुम्हें ये बढ़िया इसको स्टिर जो भी कहते हैं वही करना है, ठीक है समझ लो। उसके बाद भाई तुम्हें मैं एक रूम का ओवरव्यू दे देता हूँ, अभी तक किसी भी वीडियो में मैंने रूम का ओवरव्यू नहीं दिया है। सो भाई ये अपना कुछ रूम जिसके अंदर हमें यहाँ पे ये बेड दे रखा प्रॉपर एक बढ़िया। अच्छा और यहाँ पे ड्रॉर्स हैं दोनों साइड, खुल जा भाई इसके अंदर हमारा कुछ सामान पड़ा है। और हाँ भाई तुम्हें दुबई एयरपोर्ट जब आते हो तुम ऐसे टूरिस्ट तो तुम्हें ये मिलता है, ये है यहाँ का सिम जो मैंने अभी फ़ोन में डाल रखा है, वो भी मेरा यहीं का सिम है, ठीक है दुबई नंबर सिम है। और भाई अपना क्या कहते हैं बढ़िया चल रहा है उसमें, तुम्हें 1 GB नेट फ्री मिलता है शायद, हाँ 1 GB नेट फ्री मिलता है। तो हमारे पास 2 SIM थे तो हमें 2 GB मिल गया। क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट वो है टूल है लगा सकते हो तुम, क्योंकि भाई मुझे वीडियो वगैरह बनानी होती है तो फोन डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद ये मिरर दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी एक ड्रॉअर है जहाँ पे मैंने ये बेल्ट वगैरह रखी हुई है। ये फोन में साथ ले गया था, ये किसी काम का नहीं है अब मेरे, बट क्योंकि मैं इसका इसकी वायर लाना भूल गया जो लेके आया हूँ वो सही नहीं है। शाबाश। बाकी तुम देख सकते हो यहाँ पे ये दे रखा है यार, जो अंधेरे में है ना वो मुझे लाइटिंग कम लगी पर्सनली, क्योंकि भाई जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना बाहर से लाइट नहीं आती और यहाँ की लाइटिंग है बहुत कम। तो ये हमारा कुछ बेड है, ये टॉवल ले गए थे जो हम वहाँ पे, यहाँ जैसे उधर ड्रॉअर था सेम यहाँ पे है। और ये साथ में कुछ ये दे रखे हैं अपना लैंप्स, टेबल लैंप्स दोनों साइड। बाकी तुम देख सकते हो प्यारी सी सीनरी, और बाहर का कुछ ऐसा है लेकिन भाई दिक्कत ये है कि हम इसे खोल नहीं सकते क्योंकि भाई ये सेफ्टी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है हमारी ही। और बाकी देख सकते हो यहाँ का व्यू वैसे अच्छा था अगर हमें बाहर जाने दिया जाता। ओके भाई यहाँ पे मैंने भी देखा क्या है, यहाँ पे सिर्फ दीवार है। ये है कुछ हमारा रूम, बाकी तुम्हें वॉशरूम दिखा देता हूँ यहाँ का मैं। ये हमें जैसे उधर रखा ये देखो भाई इसके अंदर पड़े हैं, ये मैंने सारे कॉफी में यूज़ करे। तो भाई अपना ये जो मेरे बैग्स हैं ये बिल्कुल खाली हैं हमारे, हमने यहाँ पे सामान डाल दिया सारा, देख सकते हो प्रॉपर एक स्पेस दे रखी है। वहाँ पे हमारे शूज़ पड़े हैं, ये सॉक्स हैं और वो भी शूज़ हैं, और ये प्रॉपर 4 hangers दे रखे हैं जिसके अंदर हमने हैंग कर रखे हैं भाई अपने क्लोथ्स, वही सब कुर्ता पजामा भी लेके आए थे।
पता नहीं कब डालेगा बट लेके आया था तो भाई प्रॉपर। और यहाँ पे भी है कुछ, ये पता नहीं क्या भाई, ये शायद कंबल होगा। चलो ये मैंने भी देखा था, ये मैंने भी देखा मैंने भी। और इस साइड में हमें सॉरी भाई इतनी बात की, इस साइड हमें प्रॉपर ही चार, एक दो तीन चार, चार वो दे रखे हैं ओपन डोर्स और ड्रॉस, और एक ये दे रहे, दो ये देख रखे हैं। इसके अंदर भाई मैंने अपने टी शर्ट्स और अपना सारा कुछ, जैसे ये हो गया नाइट वेयर का सारा कुछ, ये सब इसमें डर रख रखा है। और फिर हो गया भाई ये मेरी जीन्स जो कि हैं इसके अंदर, और जो भाई हमने एक एक बार डाल लिया वो सारे हमने यहाँ रख दिए, मतलब ये सोच के नहीं रखी थी बट रख दी। और ये वाले जो कपड़े हैं ये तीन टी शर्ट्स, ये हमने तीन चार टी शर्ट्स ही डाल चुके हैं, ये इसलिए यहाँ रखे हैं। और भाई तुम्हें ना अगर तुम जैसे अरेबिक कंट्री है, इस्लाम है यहाँ पे, तो भाई जैसे प्रेयर वगैरह करनी होती है तो उसके लिए प्रेयर मैट दे रखा है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पिलो है, और ये भाई दे रखी है तुम्हें एक सेफ। इसका भाई बेसिकली मैं तुम्हें नहीं लास्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे वर्क करती है, ठीक है? तो अभी तुम देख लो। लास्ट में भाई हमें ना एक वेइंग मशीन भी दे रखी है, पता नहीं क्या पड़ा नीचे, लेकिन वेइंग मशीन है वहाँ पे, उसके अंदर हम वेट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिया भाई यहाँ पे मिनी बार, ठीक है? तो ये देखो इसके अंदर कुछ नहीं है हमारे पास अभी। और सेम यहाँ पे भी है एक ड्रॉर, बट ये खाली है क्योंकि हमने इसमें कुछ रखा ही नहीं। तो चलो आई होप तुम्हें वीडियो बढ़िया लग रही होगी, और ये कल एक व्लॉग आएगा, इस वजह से मैंने इतनी लंबी खींच दी वीडियो, वरना मेरा मन नहीं था कोई ऐसी प्रॉपर ये अभी वीडियो बनाने का, ठीक है? बाकी तुम्हें सेफ जो मेजर चीज़ें हैं वो सेफ होगी, जैसे ये लास्ट वीडियो में बताऊंगा। तो भाई चलो अब वहाँ ही करते हैं ना यार। तो चलो थोड़ी देर में मिलता हूँ तुम्हें इस व्लॉग के साथ। अगला जो व्लॉग आने वाला है वो आने वाला है डेजर्ट सफारी का। भाई डेजर्ट सफारी एक ऐसी चीज़ है जो कोई हर कोई देखना चाहता है और हर कोई करना चाहता है, और यहाँ आके छोड़ते भी नहीं है कोई, है ना? तो चलो डेजर्ट सफारी दिखाऊंगा तुम्हें। बाकी दोबारा देख लो भाई प्रॉपर एक ओवरव्यू रूम का, ऐसा है कुछ ये बेड और सब, ठीक है? तो वॉशरूम रह गया भाई, ये हमें प्रॉपर वॉशरूम दे रखा है, टॉवल दे रोज चेंज हो जाते हैं, और ये कुछ अपना शैम्पू एंड बॉडी वॉश बॉडी जेल वगैरह ये देख सकते हो, ड्रायर वगैरह भी दे रखा है। भाई इनका शीशा तो साफ नहीं है, ये देखो भाई ये चीज देखो यार बढ़िया। और ये बाथिंग एरिया, यहाँ पे आप बात ले सकते हो भाई, हमारा वो पड़ा है मेरा फेस वॉश, और ब्रश भी वहीं रखा हुआ है पता नहीं क्यों, बाकी ये सामान है, ठीक है? और ऐसा है कुछ वॉशरूम। चलो भाई अपना थोड़ी देर में मिलता हूँ, कॉफ़ी पी लूँ, ठंडी हो जाएगी वरना हो ही गई होगी थोड़ी बहुत। तो और तुम जरूरी हो भाई, तुम जरूरी हो, तुम्हें सबको दिखाना जरूरी है, ठीक है? चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। जो एक चीज़ रह गई थी वो ये रह गई थी, अभी हम जा निकलने वाले हैं डेजर्ट सफारी के लिए, तो मैं इसे देखो भाई यहाँ कैसे चलता है। ये ऑटो मतलब ऑन हो गया, इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, उस पर इससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अभी हो चुका है 22, और एसी वगैरह सब चल जाएंगे बढ़िया, और तुम्हें भी बाहर का भी टेम्परेचर बताएगा ये चुका सेट, ठीक है? बाहर का टेम्परेचर बस कैसे बताएगा ये, कल आ रहा था यार इसके अंदर, इससे शायद नहीं, इससे तो कूल बताता है ये, देखते मे बी टेम्परेचर ही हो रहा हो क्योंकि कूल है आज बाहर। और चलो बस ये दिखाना था मिनट में, ये देख सकते हो भाई ये है ब्लू प्रिंट, ये भाई हमारे होटल का लेओवर मैप है, ये हमारे होटल का सारा। और ये है भाई यहाँ पे रूम टेरिफ, देख सकते हो तुम स्टैंडर्ड 1200 दिरहम, और 1400 डबल के लिए, डीलक्स 1600, स्टैंडर्ड के लिए 2000, भाई देख सकते हो मतलब डीलक्स फैमिली रूम 3000 दिरहम्स। और हमारा जो है वो है ये स्टैंडर्ड डबल ट्विन, ठीक है? तो चलो अभी रेडी होते हैं, अभी रेडी होते हैं डेजर्ट सफारी के लिए।